टाटा केमिकल्स आप सब लोग नाम से जानते पहचानते अच्छी तरीके से सोडा ऐश बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और सोडियम बाई बनाने वाली दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी है ग्लास डिटर्जेंट्स इंडस्ट्रियल और केमिकल सेक्टर की पसंदीदा सप्लायर है तेरा प्लांट से कंपनी के आइए मुलाकात करवाता हूँ मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सी आर मुकुंदन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल मुकुंदन सर ने आई आई टी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है एफ एम दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने एम भी किया है फॉरवर्ड बिजनेस स्कूल के भी आप स्टूडेंट रह चुके हैं और 26 साल से देश के सबसे प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप के साथ मुकुंदन सर हैं मुकुंदन सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको आपकी पूरी टीम सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई सर उम्मीद करें कि 2024 बहुती बहुती बहुत ही बेहतरीन साल आप सबके लिए साबित हो शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूँ कि इस वक्त सोडा ऐश की कीमतों को लेकर किस तरह का माहौल है क्योंकि पिछले साल हमने काफी आई I मीन mean, 2023 में मैंने काफी उतार-चढ़ाव देखा कुछ प्रभाव घटे भी फिर से थोड़े बढ़ने के भी संकेत आए इस बार क्या इस वक्त माहौल में क्या संकेत मिल रहे हैं 2024 के लिए सर थैंक यू थैंक यू अनिल पहले तो आपके दर्शकों को आपको आपकी पूरी टीम को नए साल की शुभकामनाएं ऐसा ही हो कि सबका बिजनेस और सबका कारोबार बढ़े यही uh, बताते हैं कि जो ट्वेंटी थ्री में जो उथल पुथल आई वो बेसिकली uh, यूरोप और टर्की से आई वैसे खबरें थी कि चाइना से है बट चाइना से डिस्टरबेंस मार्केट में इतना नहीं हुआ जितना टर्की uh, इंपोर्ट से इंडिया में हुआ हालांकि मार्केट uh, जो है अभी नॉर्मलाइज हो गया है मेरे ख्याल से दिसंबर वुड प्रॉब्ली बी द बॉटम एंड ऑफ दिसंबर वुड बी बॉटम ऑफ द प्रेशर वी विल फील इन द प्राइसिंग इसके दो कारण है एक तो है कि uh, ये जो तो यूरोप में नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें काफी प्रेशर यूरोपियन मैन्युफैक्चरर के ऊपर होगा क्या क्योंकि उनके पास अभी ऑलरेडी जो एनर्जी कॉस्ट है काफी बढ़ गया है बिकॉज एक्सेस टू रशियन गैस इज स्टॉप फॉर यूरोप अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव मिलियन टन कैपेसिटी इन यूरोप इज अंडर प्रेशर So, उसके फायदे इंडिया में जरूर आएंगे दूसरी बात यह है कि जो टर्की से एक्सपोर्ट आ रहे थे वो आपको हा हाल ही में मालूम होगा कि जो सुवेज कैनाल रेड सी में काफी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की तो आई थिंक देसो मॉडरेट एंड टर्किश एक्सपोर्ट विल ट्रेवल ने टूवर्ड्स यूरोप सो इंडियन मार्केट शुड इज अटलीस्ट बाई जैन और by February um, in most probably so 24 we, we do expect uh, tactic uh, technically as well as from strategic point of view to be a better year at least for the Indian market and the Asian market uh, US business is doing well for us Yuki cost structure is the most competitive today our largest uh, uh, plant is in Europe uh, US and I think they're doing extremely well and they'll continue to do well and uh, our uh, Kenya plant also is a very low cost plant. So I think uh, that they, they also will continue to do well serving the Asian market. So overall, I think uh, as far as uh, soda Ash business is concerned, it is uh, returned to normalcy. Uh, we, we do expect during the year. And uh, that should hold well for the future growth. If uh, growth, have a lot of capacity expansion, in full benefit will come from April onwards. Uh, and also, the expansion in Kadalur would also be fully visible from April onwards in the next financial year. And we are also planning for another 30% increase in capacity in Metapur, which should come on stream by 26 and so the full financial year of 26 uh, 27 which is the uh, in the next 24 months we should be able to commission that too so uh, and we are also expanding in Kenya we are also expanding in us so all these capacities which are debottlenecking making about a million ton will come on stream uh, in the next 24 to 30 months broadly uh, that's Wonderful. the overall plan on soda ash. and the market is beginning to look better uh, especially for the chemical sector and also for our sector सर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा आउटलुक दिया मैं प्राइस और डिमांड दोनों पर राय लेना चाहता था आपने इंडिकेशन दिया भी कि प्राइसेस ऑलमोस्ट होने के लेवल पर है लेकिन अपसाइड कितनी बन सकती है क्या 2024 में एक साइजेबल अपसाइड सोडाइश कीमतों में बन सकती है इसकी उम्मीद रखें सर सो इसकी बेसिक पॉइंट आई दैट इन दिस Uh, if if the Chinese demand continues to stabilize, right now China is uh, looking little hazy, but Chinese demand continues to stabilize. I think we will get a strong upside, which is why I said since it is not clear to us. Another six months, it will be a stable run. And after that, we'll have to wait and watch how the whole market evolves. The uh, Chinese government mm -hmm. has a steps because 50% of the global demand for this product is in China and 50% of supply is in China. So China is never out of the equation. The benefit we'll get is the European capacity is coming under pressure. positive We'll have to continue to watch for what is happening in China, which is why I have said that they will stabilize, but I've not said it's going to be extremely strong. Uh, but uh, the demand patterns are very वेरी गुड क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड ग्रोथ इस बिजनेस में है सोडाइश की वो तो बिल्कुल दो, दो तरफ से आ रहे हैं एक तो सोलर ग्लास एवरी मिलियन टन एडिशनल सोडाइश एंड आल्सो फ्रॉम लिथियम कार्बोनेट एवरी टन ऑफ लिथियम कार्बोनेट जो बैटरी में यूज होती है उसके लिए सोडाइश uh, की दो टन की जरूरत पड़ती है तो आई थिंक डीज टू आर ड्राइविंग द डिमांड एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड वंडरफुल तो बहुत ही बढ़िया डिमांड का भी मोमेंटम है प्राइसेस में भी अपसाइड की पूरी पूरी संभावना है यहाँ से एक्शन बढ़िया होता हुआ देख सकता है सर एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ चूँकि आपने कैपेक्स की भी बात की कि आप कैपेक्स कर रहे हैं एफ आई ट्वेंटी फाइव में आपकी कुछ और कैपेसिटी नहीं आएगी डेट को लेकर कंपनी के क्या प्लान है जो मेरे पास नंबर है चार हज़ार तीन सौ पचास करोड़ का डेट है आपका सेप्टेम्बर एंड में आगे क्या कैपेक्स के चलते बढ़ेगा मेनटेन रहेगा या कुछ आप रिडक्शन करने की सोच रहे हैं So, we to debt. Ko kam karte Her, uh, every quarter we are paying. So, this year our plan was uh, US debt to be reduced by 100 million. Okay. And uh, uh, we have also reduced the debt in Singapore. So, overall, in about uh, 36 months, our, we should be zero debt everywhere except in UK, which will take six or seven years to reduce to zero. So, uh, India is already uh, debt free, both in Tata Chemicals and in Rallis. Uh, Kenya is debt free today.

अब वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास आ रहा है नेक्स्ट तीन से छह महीने में सिग्नल शायद ग्लोबल मार्केट से मिलेंगे कि केमिकल थोड़ा अपटर्न होने वाला है इन जनरल आपका क्या व्यू है सर हमारा व्यू भी, भी यही है कि वी आर वेरी क्लोज बॉटम सो या दिसंबर हो या जैन हो तो हमको भी यही लगता है कि तीन से छ महीने के बाद मार्केट साइकिल बहुत ही कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्टेटमेंट दिया कि केमिकल सेक्टर के लिए 2023 से 2024 का साल ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया और डिटेल में टाटा केमिकल और सेक्टर के बारे में हमारे दर्शकों को आउटलुक दिया थैंक यू सो मच सर